चलो यहाँ पर जो हमारा सेकंड चैप्टर है, आपको फोटो देख के समझ में आ गया है हमारा सेकंड चैप्टर क्या है, किसके ऊपर है। सब लोग रीड कर कर आए हो आप लोग? टीडी पीडीएफ ही नहीं खुली अभी तक। मेरे पास पीडीएफ नहीं है। आपके पास पीडीएफ नहीं है? बाकी भी सब ग्रुप मेंबर्स, अगर आपके पास अगर कुछ चाहिए या कुछ आपको रिक्वायरमेंट होती है ना, तो आप एटलीस्ट ग्रुप पे एक मैसेज कर दो, हमारे ग्रुप के कोई भी मेंबर आपको वो चीज दे देंगे, मतलब पहुंचा देंगे। जैसे पीडीएफ नहीं है, मैंने आपको कहा था, तो मुझे आप पर्सनली भेज देते तो मैं आपको दे देती थी। ठीक है, आप वापस से, कल मैं बाहर चली गई थी इसके लिए थोड़ा सा। नहीं, खाली आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दो कि मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तो मेरे बाकी मेंबर सबके पास है, वो भी आपको दे सकते हैं, नहीं तो मुझे पर्सनली करो तो मैं भी आपको दे दूंगी। ठीक है, कोई ओके बात नहीं, अभी आज आप मुझको याद से कर लेना तो मैं दे देती हूँ। आज जो भी ये चैप्टर रीड करके आए हैं, आज हमारा चैप्टर है मैजिक स्टोन, मैजिक रॉक, मतलब जो हम हमारी जितने भी ये पॉजिटिव एनर्जी है, हम इस मैजिक रॉक में आज से शुरू करेंगे इसमें देना। ठीक है, फिर यही एनर्जी हमको हमारे, जब हम लो वाइब्रेशन में हो जाते हैं या हम लो फील करते हैं, तब यही हमको वापस से लेवल पर लेकर आती है। तो ये कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, अब हम इस चैप्टर से करते हैं। ठीक है, स्टार्ट। ओके, जैसे हम इसको मैजिक स्टोन कहा है, यहाँ पर बराबर है ना, विजिबल? ओके यस ठीक है, चलो सेकेंड डे है आज हमारा। ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और ये आपको हमेशा, मतलब मैं तो बोलूँ ये हमेशा करने ही करने, क्योंकि जितनी जितनी बोलते ना हम भगवान के मंदिर की मूर्ति जितनी पुरानी होती है उतनी पावरफुल होती है, वैसे ही आपका ये मैजिक स्टोन होता है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी से आप इसको, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये इतना ही इफेक्टिव रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ये हमेशा आपके पास रहेगा और हमेशा इसकी एनर्जी आप फील कर पाओगे। ठीक है, अब अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, और हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत दुर्भाग्यों पर जो सभी के पास थोड़े हैं। मतलब हमारे पास भगवान ने जो बहुत कुछ दिया है, हमारा फोकस सिर्फ उस पर होना चाहिए। हम हमेशा अपने जो हमारे पास नहीं होते, हम हमेशा उसी चीज पर फोकस कर कर, वही चीजें नहीं होती हमारी, वही चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती कि चीजें हमारी लाइफ में नहीं होती है। तो अब हमारे लाइफ में आगे तक ये पूरी जर्नी में आपको यही इस पे ही फोकस करना है कि हमारे पास क्या है, क्या क्या हमको भगवान ने हमें दिया है। ठीक है, चलो इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है, और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। जब आप लोग ये प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे मैं आपको रोज याद दिलाती रहूंगी कि प्लीज आप ग्रेटिट्यूड करो, आप प्रैक्टिस करो, आप थैंकफुल रहो, तो ये जब आप, मैंने कहा ना, अब हमारे माइंड में जब कोई भी चीज 21 डेज तक कंटिन्यू जाती है, रिपीटेशन में जाती है, तो वह सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। जैसे ये सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएगी, आप लोगों को याद ही नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ग्रेटफुल होना है, आप उस चीज को देखकर ही तुरंत ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से काम होती है। जैसे आपने कहा कि आज हम लोगों ने होमवर्क मिस कर दिया, ये ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। जो भी असाइनमेंट्स इसके आगे भी होंगे, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस और जो ब्लेसिंग्स की, ये तो आपको रेगुलर करनी है। इसके बाद भी रेगुलर आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स होंगे, वो आपको कंप्लीट करने हैं, वो हार्डली 3 में आधा घंटे से ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना है उसके लिए। ठीक है, लीब्रो ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक के कृतज्ञता को पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया था कि एक पिता ने अपने मरना सत्र बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता का पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से इसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता का पत्थर को संसार में बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई है। आज मैं आप लोगों को ग्रुप में द सीक्रेट मूवी, जिन्होंने भी नहीं देखी है प्लीज द सीक्रेट मूवी देखना, शांति से देखना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अपनी बुक और पेन लेकर बैठना, और जैसे जैसे आपको जो चीज समझ में आ रही है, जैसे आप लिखते हो वैसे लिखने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये मूवी की लिंक मैं, जिन्होंने नहीं देखी है, मैं उनको आज दे दूंगी, द सीक्रेट की मूवी। तो इसका जो मैंने आपको 2 दिन में जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया कैसे काम करता है, और आप क्लियर हो जाओगे उस चीज के लिए, तो उसमें ये प्रैक्टिस बताया था कि एक फादर होते हैं, उनका बच्चा
बहुत बीमार होता है और इस मैजिक रॉक की वजह से वो बच्चा एकदम ठीक हो जाता है। तो ये कैसे होता है ये आप वो मूवी देखोगे आपको पूरा क्लियर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे, यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने में कोई वाकई इच्छा महसूस अच्छा महसूस हो। जैसे आप लोगों ने तो ये ढूंढ लिया है, ठीक है, आप लोगों के हाथ में ऐसा पत्थर जिसमें कोई चुभे नहीं, हमेशा आपके साथ में कंफर्टेबल रहे, ऐसा आपको पत्थर चुनना है। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो आप उसमें ये जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क में ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। ये हमारी ऑथर ने हमें हेल्प आउट किया है कि आपको ये पत्थर कैसे खोजना है, कहाँ पे मिल सकता है, जो ऑलरेडी आपने कर लिया। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो उसे सिरहाने के पास रख ले, या ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आप उसे सोते जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली रख ले ताकि जब आप सोने जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अपने अलार्म घड़ी के आसपास रखते हैं तो पत्थर को अलार्म की घड़ी के बगल में रख दें। मतलब आपको ये पत्थर की पोजीशन कहाँ रखनी है, जब हम सोते हैं हमारे बेड के आसपास वो पत्थर ऐसी पोजीशन में रखो जिसके कोई हाथ भी नहीं लगा सके। आप उसे ध्यान मतलब आपके नजर के सामने रहे वो पत्थर, ऐसा नहीं कि पत्थर हमको छुपा कर रखना है। ठीक है, इसकी वाइब्रेशन हमारे आसपास होनी चाहिए, इसके लिए आप जहाँ आपके बेड के आसपास वो पत्थर आपको रखना है। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाए, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज अच्छी हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादू शब्द कहे धन्यवाद। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस आपका काम खत्म। मतलब एकदम छोटी सी प्रैक्टिस है लेकिन बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। जैसे हम सुबह उठकर ब्लेसिंग्स लिखते हैं उसके बाद हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं, हमारा पूरा दिन रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जब आप रात को सोओगे उसके पहले, जैसे जब हम नौका मंत्र गिन के सुनते हैं, हम कोई भी प्रार्थना करके सोते हैं, उस टाइम आपको ये पत्थर आपके हाथ में लेना है। आपको दिन भर में आज जैसे पूरे दिन में कोई भी अच्छी तीन चीजें, जैसे कोई आपको पुराने फ्रेंड्स मिल गए, आपका कोई घर पर कोई अच्छे गेस्ट आ गए, आपको बहुत अच्छा फील हुआ, आपको कोई गिफ्ट मिला जिससे आपको अच्छा फील हुआ, आपने कोई खाना बनाया, आपको किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, आपको अच्छा फील हुआ, वो सारी चीजें आपको याद करनी है पत्थर को हाथ में रखकर, और उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। ठीक है, आया समझ में? पत्थर हाथ में लेकर दिन भर की कोई भी अच्छी तीन चीजें, मिनिमम अच्छी तीन, इससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, बाकी आपको याद करना है कोई भी अच्छी तीन चीजें हाथ में रखकर उसको थैंक यू करना है। ठीक है, अगले 26 दिनों तक हर रात यह जादुई पत्थर का अभ्यास दोहराए। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। जैसे मैंने कहा आपको ये प्रैक्टिस, ऑथर ने तो सिर्फ 26 दिनों की प्रैक्टिस बताई है क्योंकि ये 28 दिनों की प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि आप ये प्रैक्टिस हमेशा करें और ये पत्थर हमेशा अपने पास रखें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार एक पत्थर रखना है, सिर्फ 3 बार अच्छी चीजें याद करनी है और थैंकफुल होना है, लेकिन ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। ये आपकी वाइब्रेशन को हाई करती है। सोने के समय के पहले जब आप अच्छी मूड में सोते हो, सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाता है कि ये हैप्पी मूड है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड की वजह से वो आपको हैप्पी मूड में रखने की कोशिश करता है, और जब आप हैप्पी मूड में रहने की कोशिश कर रहे हो तो यूनिवर्स सारे अच्छे आपको खुश रखने के साइंस आपको भेजता है। जैसे जैसे आप चीजें ऐसे फील करते रहोगे, आप रेगुलर अपनी लाइफ में ये चीजें होता हुआ पाओगे कि आप कैसे अच्छा फील कर रहे हो। जब आप दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजें की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ चुनने की प्रक्रिया को आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर रात
सुबह कृतज्ञता के साथ जगेंगे। इससे जैसे मैंने कहा ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे टाइट हो गया है, हमने कभी इसको वर्कआउट नहीं किया है, लेकिन जब आप रात को सोओगे, ये प्रैक्टिस करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ढूंढनेगा कि किस में खुशी है, किस में हैप्पीनेस है। वह चीजें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जैसे जैसे फिट होती जाएगी, ये उस तरह वर्कआउट करेगा। और हम जब सोएंगे हैप्पी मोड में, जब आप हैप्पी मोड में सोओगे तो आप सुबह जगोगे तो उतने ही फ्रेश रहोगे, उतने ही हैप्पी मोड में रहोगे। ठीक है, अपने नियामत गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास में यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू करें और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपको जीवन में सचमुच तेजी से बदल जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता चुंबक की है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से मनचाही आवश्यक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यह इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है कि जैसे जैसे इस बुक को इस तरह डिजाइन किया हुआ है ऑथर ने, कि जैसे जैसे आप एक एक चीज की प्रैक्टिस करोगे, आप सुबह भी अगर कुछ सोचकर सोच रहे हो कि मुझे ऐसे 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 काम करना है, आप रात को पाओगे कि जैसे आपने सोचा था सारा काम वैसा हो गया। आप किसी पर्सन के बारे में भी सोचोगे कि नहीं, मेरे को इससे मिलना है, इससे बात करनी है, ऐसे करना है, तो किसी न किसी रीजन से वो आपके सामने आ ही जाएगा। ये कब होगा? जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ये एक साइंटिफिकली भी है, और ये प्रैक्टिस आपको हमेशा कंटिन्यू करनी है। ठीक है, और जो आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है वो तो आपको लिखनी है। ये प्रैक्टिस से आपको दिन भर में अच्छी हुई सारी चीजों पर आपका फोकस जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके दिन में जो भी आपके साथ समझो कोई मोमेंट अच्छा नहीं भी लगा, तो उस पर आपका फोकस रहेगा ही नहीं, वो साइड से ही निकल जाएगा। और ये प्रैक्टिस करने के बाद आपकी सारी सराउंडिंग्स में सिर्फ पॉजिटिव लोगों की एंट्री होगी। कुछ नेगेटिव लोग हमारे आसपास भी होते हैं, या तो वो हमारे साथ पॉजिटिव हो जाएंगी, या तो वो हमारी लाइफ से धीरे धीरे साइड में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब पावरफुल प्रैक्टिस है। ये तो ये एकदम सिंपल प्रैक्टिस है, इसलिए लगता है कि क्या कैसे वर्कआउट करेगा, कैसे होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखने लग जाओगे कि कैसे हो रहा है ये सारा प्रैक्टिस। ठीक है, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़े, और क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। ठीक है, आपके आज का ये प्रैक्टिस, ये चैप्टर बहुत छोटा था, तो आप लोगों को इसका आज की प्रैक्टिस थी कि आपको मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस करनी है जैसे बताया गया है। और अब आप लोगों को जैसे आपने जो ड्रीम्स लिखे हुए हैं उसके रिलेटेड जो भी पिक्स होते हैं, जैसे मुझे एक अच्छा घर चाहिए, तो गूगल पर जाइए, या आपके माइंड में कोई ऐसा घर है तो उस घर की फोटो आप कलेक्ट कीजिए, और या तो फिर कोई ड्राइंग बना सकते हो, स्केच कर सकते हो। जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर कोई चीज चाहिए, उसका स्केच अगर आप बना सकते हो, तो ऐसे ऐसे आपको अब ये काम करना है। ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर चीज के गूगल से फोटो कलेक्ट करने, आपने जो भी ड्रीम लिस्ट में लिखा है, समझो आपने लिखा है कि मुझे 10 किलो कम करना है, या आपके पास कोई आइडल है, जैसे मुझे कोई इसके जैसे दिखना है, समझो मुझे शिल्पा शेट्टी के जैसा मेरा फिगर चाहिए, अगर आपके माइंड में ऐसा है, तो शिल्पा शेट्टी के फोटो पे आपका फोटो एडिट करना है और उसका एक कॉपी करके रखना है। ठीक है, तो आप लोगों को आज ये भी प्रैक्टिस करनी है, ब्लेसिंग्स लिखनी है, मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस करनी है, और जिसने ड्रीम्स नहीं लिखे हैं प्लीज आप ड्रीम्स लिख लीजिए, और उसके सारे फोटोज रिलेटेड फोटोज आपको कलेक्ट करने हैं। ठीक है, जादुई अभ्यास अपने नियामतें गिने, जो मैंने आपको कहा है कि आपको 10 ब्लेसिंग्स मिनिमम लिखनी है। ठीक है, हर नियामतों की सूची बनाए, 1 से 3 तक कदम दोहराए, लिख के कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, आपका व्हाट और व्हाई पावरफुल होना चाहिए, हम किसको कृतज्ञ हैं और क्यों हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहें, इस नियामत से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जैसे ही आप ब्लेसिंग्स लिखते हो, आप लोगों को हर ब्लेसिंग्स के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल से फील करना है। एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले, जो आपने ऑलरेडी कर लिया है, आपने अपना मैजिक स्टोन
सिलेक्ट कर लिया है, अब उसको आपको आपके बेड के आसपास रखना है। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। जैसे ही आप रात को आज सोने जाओगे, आप दिन भर की सारी अच्छी चीजें रात को बैठकर कलेक्ट करो, उसमें से जो बेस्ट 2 से 3 4 चीजें हैं उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। आज जो भी अच्छी सबसे चीज हुई है उसके लिए आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जैसे मैंने कहा है, ग्रेटफुल होना है उस टाइम के लिए, उस मोमेंट के लिए, उस पर्सन के लिए या उस चीज के लिए आपको थैंकफुल होना है। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक दोहराएं। मेरा तो ये होमवर्क है कि आपको ये प्रैक्टिस हमेशा करनी है और अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़े। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, रोज आपके असाइनमेंट्स चेंज होंगे, आपको ग्रेटफुल होने के और बहुत सारे रास्ते दिखेंगे। हो सकता है कि अभी आपको लिखते वक्त याद नहीं आ रहा होगा कि मैं किसके लिए ग्रेटफुल हूँ, उसके लिए आपको शांति से सोचना पड़ेगा, आपको आपके बचपन में जाना पड़ेगा, आपको जो भी आपके अच्छे मोमेंट्स आपने बिताए हैं अपने फैमिली के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने खुद के साथ। हम कभी बचपन में फैमिली स्कूल ट्रिप गए तभी कहीं भी जो भी चीज आपको अच्छी लगी है उसको रिकलेक्ट करो। अपने माइंड को प्रैक्टिस, मतलब बोलते ना, जितना आप माइंड को प्रोग्रामिंग करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी सारी चीजें आपको याद आती रहेगी। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? ये आज का हमारा चैप्टर बहुत छोटा है, अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है किसी को तो आप बता सकते हो। अब तक सब क्लियर हो आप लोग हर चीज से? ओके, यस, वेरी गुड। आपको भी मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस करनी है। आज आपको किसने चॉकलेट दिया, किसने आपको कोई गिफ्ट ला कर दिया, आपने गेम में कोई कुछ जीत लिया, आपको मजा आ गया, आपको मैजिक स्टोन को रखना है हाथ में और उसके लिए थैंक यू करना है। ठीक है, मैंने सुन लिया। ओके ओके, थैंक यू। अच्छी बात है डियर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनका माइंड इतना इतना क्लियर होता है, इतना शांत होता है, वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं वो चीजें, और वो चीजें जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। आपके जो भी ड्रीम्स लिखे हैं आप लोगों को उसके फोटो कलेक्ट करने हैं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? क्योंकि कल से हम लोग अपने, जैसे मैंने कहा, माइंड का प्रोग्रामिंग, उसकी प्रैक्टिस भी कल से साथ में चालू होगी। कल हमारे बहुत इम्पोर्टेंट, हमारा कल का सेशन है रिलेशनशिप के ऊपर, तो डोंट मिस इट, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई पार्ट होता है तो वो रिलेशनशिप का होता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या कोई भी हो। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ शेयर करना है? आप लोगों को कैसा लगा? क्योंकि आप जितना बोलोगे आपका माइंड उतना सोचेगा और उतना फील करेगा। आप सोचोगे कि हम सिर्फ सुनते जाएं, दिस इज नॉट प्रवचन, ये प्रवचन नहीं है, आप लोगों का माइंड प्रोग्रामिंग हो रहा है और कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये जो मैजिक है वो ऐसे करके हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड से, आपके अंदर से ये सारा काम हो रहा है। जितना आप माइंड प्रोग्रामिंग करोगे, हम जब सुनते हैं, हम जब बोलते हैं, तो ये सारी प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में फिट होती है। और हमारे, जैसे मैंने कहा, हमारे लाइन अभी आज से हमारे हर शब्द पॉजिटिव होने चाहिए, हर चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों के माइंड में भी ऐसा लगता है, कहीं डाउट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसको क्लियर करते करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, और किसी हम किसी से भी बात कर रहे हैं, हम लोगों को उतने ही रिस्पेक्ट से बात करना है जितना हम सोचते हैं कि हमें मिलना चाहिए। अभी हम लोगों को सिर्फ समर्पण की भावना रखनी है, मतलब हम लोगों को सिर्फ देना है, ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मुझे क्या मिलने वाला है इससे। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसको ये करके सोचना है कि मुझे क्या, मैं क्या दे सकती हूँ। किसी की फेस पे अगर हम एक स्माइल देते हैं, वो वाइब्रेशन हमारे पास आती है। तो एटलीस्ट दिन में कम से कम मिनिमम 3 लोगों को अप्रिशिएट जरूर करो, 3 लोगों को थैंकफुल जरूर रहो कि मैं आपको इसके लिए थैंक यू कर रही हूँ। चाहे वो हमारे फैमिली में हो, आपके कोई फ्रेंड्स में हो, कोई रिलेटिव्स में हो, या तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इनसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए, आपको सीरियल में सब मिस करते हो, आप तुरंत उनको कॉल करो, अपनी ओल्ड मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज को वापस से रिकलेक्ट करो। हम जब अपने कोई फैमिली गैदरिंग्स में भी मिलते हैं तो हम उस टाइम भी सिर्फ बीती हुई चीजों पर ही ज्यादा सोचकर हंसते हैं और याद करते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो।
ठीक है, जितना आप अपने पास्ट की अच्छी चीजों को याद करोगे और उसके साथ खुश रहोगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आपको अपने कोई अच्छे फ्रेंड्स जो भी पुराने हैं, कोई अच्छे रिलेटिव्स हैं, उनके साथ कनेक्ट में रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, हम इतनी फास्ट लाइफ में चल रहे हैं, हम रोज याद करते हैं उनको कहीं ना कहीं, कोई भी पर्सन हो, चाहे हमारे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, हम उनको याद करते हैं, लेकिन ये सोचते कि हमारे पास टाइम नहीं है। और जब हम बोल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस ऐसे आपको पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा टाइम है, मैं मेरी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताती हूँ। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। धीरे 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 जैसे जैसे आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें आपके पास होती जाएगी। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है अब तक? कैसे आपको लग रहा है, आप लोगों को 2-3 दिन में जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्योंकि ये 2 प्रैक्टिस बेसिक थी हमारी, इसलिए आज छोटी छोटी थी। कल से हमारे बोलते ना एकदम कट टू कट टाइम होगा, जो भी होगा, इसके लिए आप लोगों को यहाँ तक आपका बेस क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। और बाकी सब आप लोगों का मैं इसलिए बोलती हूँ, आप लोग शेयर करो, आपका माइंड प्रोग्रामिंग होगा, आप कॉन्फिडेंस रखो बोलने की। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ बोलना है, आप तुरंत बोलना, जैसे कुछ रिएक्ट होता है उसको रिएक्ट करना शुरू करो। हमने यही तो किया इतने सालों तक, हमको जो भी अच्छा लगा तो भी हमने माइंड में भरते गए, खराब लगा तो भी माइंड में भरते गए, उसको कभी रिएक्ट ही नहीं किया। जब आपको किसी के साथ रहकर अच्छा लगता है तो उसको बोलो कि मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ये सारी पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दोगे, बात करोगे उसके बारे में, डिस्कस करोगे किसके साथ, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर सिर्फ समझो कि 10 से 15 जन, 20 जन जो भी हैं, लेकिन जब इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके नियर एंड डियर में भी कोई जुड़ रहा है आपसे, तो आपके पास कोई बात करने वाला होगा इस टॉपिक के ऊपर कि रियल में आपके साथ कैसे कैसे हो रहे हैं। अभी जैसे शर्मिला ने बताया कि उन्होंने कल, जैसे कल सेशन में भी बोला था कि मुझे सेकंड चेक लिखना है, और आज वो आके बोल रहे कि मैंने लिखा नहीं, लेकिन वो सोचा और वो मेरा चेक क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में उतनी ही मैजिकली काम करेगी जब आप उसको दिल से प्रैक्टिस करोगे, दिल से सारी चीजें करोगे। अपने माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो इतने दिन से ठंडा बैठा हुआ है ना, उसको हमको एक्टिवेट करना है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ऐसे सारे असाइनमेंट्स, ऐसे सारे प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है अभी तक? आप लोगों में से कोई फिजिकल एक्सरसाइज सब करते हो आप लोग? एटलीस्ट दिन में मिनिमम 15 से 20 मिनट मिनिमम आप लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करनी है अपने शरीर के लिए, हेल्थ के लिए। ठीक है, अब आप लोगों, जैसे मैंने कहा हमारा 6 बजे का सेशन स्टार्ट होता है, उसके पहले आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है, तो उसके लिए आपको समझिए कि आपको 10 मिनट लग रहे हैं। उसके 10 मिनट पहले आपको मेडिटेशन या आपको ध्यान या आप जो भी नौकार गिनते हो या आपकी प्रार्थना करते हो, आपको करनी है। आपको जितनी जितनी सुबह आप जल्दी उठोगे, आप उतना एनर्जेटिक रहोगे, उतना अच्छा फील करोगे। तो आप और आप जिसको नींद, जैसे बोल रहे कि मेरी नींद नहीं उठ रही है, ये नहीं हो रहा है, जैसे मैंने अफर्मेशन दिए हैं आपको ग्रुप में, आप वो अफर्मेशन दिन में 2 से 3 बार रीड करते रहो। आप जब रात को भी सोते हो और मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस कर ली, नौकार मंत्र गिन लिए, रात को सुबह आपको यही सोचना है कि मुझे इतने बजे उठना है और सेशन टाइम पर अटेंड करना है, मेरी ब्लेसिंग्स मुझे लिखनी है, मुझे मेरा मेडिटेशन कंप्लीट करना है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड को आपने ऑर्डर दे दिया है कि आपको ये करना है, वो आपको, आपके कोई अलार्म की भी जरूरत नहीं है, किसी को जगाने की भी जरूरत नहीं, आप अपने आप जग जाओगे। क्योंकि जो यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, वो उन्होंने अपने अलार्म उसके पहले ही जग जाते हैं। हम अब जितनी भी बार मैं उठती हूँ ना, मैं खुद उठकर फिर 10 मिनट के बाद अलार्म बंद करती हूँ। हम अलार्म भी लगाओगे आप, उसके बाद आप बंद करोगे। तो ये सारी चीजें कब होगी? जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को फिट होता है। जब हम छोटे थे तो हमको बोला जाता था कि सोने से पहले आप तकिए को बोल दो कि आपको सुबह जल्दी उठना है, बोला जाता था, राइट? हम जब भी सोते थे, हमारे घर के बड़े बोलते थे कि आपको, और मैं खुद जब एग्जाम्स के टाइम पे, मुझे पता नहीं था कि ये साइंटिफिक कैसे होता है, जब भी एग्जाम्स के टाइम पे हम सोते थे, सोने के पहले हम अपने पीलो को बोलकर सोते थे कि हमको जल्दी इतने बजे जगाना है, और हम जग जाते थे, सेम टाइम पे जग जाते थे। मैं भी रोज यही करती हूँ। यही करती हूँ।
अन्ना मैना सुसु के लिए बोलता था। वेरी गुड, बराबर। हाँ अगर मतलब हम रात को भी, जैसे इन्होंने बोला है कि ये रात को किसी काम के लिए, रात को जोर से आती मुझे। तो आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना है आपको कि मुझे सुबह जगना है, मुझे ये काम करना है। जब आपने बोल दिया है सबकॉन्शियस माइंड को, जब ये आप प्रैक्टिस रेगुलर दोगे ना, जैसे आप बोलोगे वैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा आपके लिए। जैसे बोलते हैं ना, आपके लिए को अंदर मैनेजर बनकर थोड़े दिनों में बैठ जाएगा, जो आपका ऑर्डर आएगा और वो काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने मांगा कि भाई 1 लाख रुपए लाकर दे दो और आ जाएगा। नहीं, वो 1 लाख रुपए आपको आएगा, उसके रास्ते मिलेंगे आपको। सिर्फ वो रास्ते आपको मेहनत करनी है, फाइंड आउट करना है, उस पर एक्शन लेना है। विदाउट एक्शन कुछ काम नहीं होता है। जैसे मैंने कहा मुझे वजन कम करना है, मैंने मस्त शिल्पा शेट्टी का फोटो लगा दिया, ये लगा दिया, लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो नहीं होगा। उसके साथ आपको हल्की सी एक्सरसाइज, खाने का डाइट, गर्म पानी लेना है, जो भी एक स्टार्ट धीरे धीरे करो। कभी भी लंबा लॉन्ग जंप मत मारो, शॉर्ट जंप काम से काम करो। अब जैसे बोल रहे हो आप, मैं इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपका 5:45 का टाइम है। अब 6 से आप 5:45 पे आ गए हो, उसके बाद आप आओगे 5:30 बजे, उसके बाद आओगे आप 5 बजे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपका टाइम धीरे धीरे। अगर मैं आपको फर्स्ट डे बोल दूं कि नहीं आपको 5 बजे जगना है, तो आप बोलोगे यार ये सेशन वेशन कुछ नहीं करना है हमको, ये हमसे होगा ही नहीं। आपके दिमाग में पहले ये नेगेटिव थॉट आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम, अब आपका जो नहीं जगते थे जल्दी, वो एटलीस्ट 6 बजे जगने लगे, 5:45 होगा, 5:30 होगा, ऐसे हम लोग पीछे पीछे जाएंगे। तो जैसे जैसे आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी ऐसे वाइब्रेट करके ऐसे काम करोगे, आप खुद ही, मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं होगी, आप बिफोर टाइम आकर आ जाओगे यहाँ पर। ठीक है, और किसी को है कि मुझे सुबह उठने को नहीं हो रहा है, मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि देखो आज हमारे पास 5 से 10 मिनट आपका कोई पर्सनल डिस्कशन करने के लिए, कल से हमारे जो प्रैक्टिस चालू हो जाएगी उसके बाद शायद इतना टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से यूज करो। आफ्टर सेशन भी अगर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट एकदम अपने साथ, नेचर के साथ, आंख बंद कर आप खाली बैठो, फील करो, अपने आप को फील करो। आप खुद में जब आप अपने आप को फील करोगे, आप खुद एनर्जेटिक महसूस करोगे। अगर आपके पास विंडो के पास कोई ऐसी जगह है जो आप नेचर को आपको रिलेट करती है, बर्ड्स की जहां पे आवाज आती है, जहां पे आप नेचर को सुन सकते हो, देख सकते हो, उनके साथ में सिर्फ 10 मिनट रहना शुरू करो अभी। और आप जैसे भी 5:45 6 बजे इतना अच्छा लगता है बाहर, आप विंडो खोलोगे बाहर, इतना अच्छा क्लाइमेट, इतना ठंडा महसूस करते हो, आप खुद अपने आप में एनर्जी महसूस करने लग जाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें होगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देने से। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ आपके माइंड की एक छोटी सी प्रोग्रामिंग चल रही है। ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है? अभी तक सब लोगों ने वीडियो ऑफ रखे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? जब तक आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप लोग कैसे आगे जाओगे? अभी हम लोग सिर्फ 15 से 20 जनों के बीच में, जहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑलमोस्ट, अब आज तो सब लेडीज ही है, हम लोग ये नहीं सोचते कि मतलब हम लोग अपने आप को आगे लेकर आए, फिर हम लोग ने, हमारा फोकस आगे तक जाएगा ही नहीं। कभी 1000 के बीच में हमको जाना है तो हम अपने आप को कभी वहां तक लेके जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, और हम लोग ये सोचेंगे कि ये मेरे से नहीं होगा, हम नहीं जा सकते, हम नहीं बोल सकते। तो प्लीज अपने आप को जहां पर लगता है कंफर्टेबल, वहां पर आगे आने की कोशिश करो अपने आप को। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि भाई जाओ और जहाँ पे 100 जन दिखते वहां पे बोलना शुरू कर दो, ये कर दो। लेकिन जब हम किसी ग्रुप में है, फैमिली ग्रुप में है, तो अपना रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन एटलीस्ट देना शुरू करो। आप लोग जितना पॉजिटिव रिएक्शन दोगे, आपके सराउंडिंग से उतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है, और किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है? आज, क्योंकि आज तो हमारा टाइम बिफोर टाइम, हमारा सेशन ये इसका जो रिलेट था इसके, वो हो गया है। आप लोग याद से मैं सीक्रेट मूवी देखना, अगर एक सेकेंड रुको, चलो अभी टाइम है तो हम लोग साथ में कुछ देख लेते हैं।
हम्म